नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भारत चीन टक्कर पर इस वक्त की बिग ब्रेकिंग के साथ। 48 घंटे के अंदर चीन ने एक बार फिर से भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है। हालांकि भारतीय जवानों ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है। चीन ने लद्दाख के चुमर इलाके में घुसने की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान भी चीन की चालाकियों से वाकिफ है। ड्रैगन के को इस बार ऐसा जवाब मिला है कि ताउम्र वो भूल नहीं पाएगा। हिंदुस्तान का जोश हाई, ड्रैगन ने फिर मात खाई। अड़तालीस घंटे में ड्रैगन ने दूसरी बार पीठ दिखाई। एलएसी पर चीन बार बार पिट रहा है। बार बार खदेड़ा जा रहा है, बावजूद इसके वो बार बार पलटकर हिंदुस्तान को आंखें दिखाने की हिमाकत कर रहा है। सबसे ताजा घटना 31 अगस्त की रात की है। जानकारी के मुताबिक चीनी पीएलए के जवानों ने ब्लैक टॉप से करीब 100 किलोमीटर दूर चुमर में घुसपैठ की कोशिश की। करीब 40 से 50 की संख्या में चीनी आर्मी के जवान 7 से 8 बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर आए और चुपेजी कैंप से भारतीय इलाके की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन चुमर में भारतीय जवान पहले से मुस्तैद थे। भारतीय जांबाजों ने चीनी सैनिकों को बेरंग वापस खदेड़ डाला। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए अब ये समझिए कि चुमर में जिस इलाके में चीनियों ने घुसपैठ की कोशिश की, वो सैन्य सुरक्षा के तौर पर कितना अहम और मुश्किल इलाका है। दोनों ओर से पहाड़ियों से घिरी ये जबरदस्त गहरी खाई है और इसी खाई के बीच जो नाला बहता है, यही भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल को बांटता है। सैटेलाइट तस्वीरों में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब चीनी इलाके में कई स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहे हैं। गौर से देखें तो भारतीय इलाका चीन के मुकाबले काफी ऊंचाई पर है, जो सामरिक तौर पर चीन के लिए अक्सर दबाव की वजह रहता है। शायद यही वजह थी कि चीन ने इस इलाके में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह से उसे पिटकर लौटना पड़ा। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारतीय सैनिकों को देखने के बाद चीनी बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला वापस अपने ठिकानों की ओर लौट गया। चुमर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम करने के बाद भारतीय इलाके में जवानों की तैनाती और बढ़ा दी गई है। बख्तरबंद गाड़ियों को भी तैनात किया गया है।